शुरू करते हैं फिर, जैसे आप तब तक फिर और भी ड्यूटीज ज्वाइन कर लेंगे। राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में एंड सो वी विल बिगिन विद अवर प्रेयर्स टू आचार्यस एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन. So our today's topic is what is religion. और इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. इससे पहले हमने जो टॉपिक्स किए हैं वो हैं, सबसे पहला
द पर्पस ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हमने जाना कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि द साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, और उसके बाद हमने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में और उसकी महिमा के बारे में जाना. तो जो आज का जो सेशन है वो है धर्म क्या है, सो व्हाट इज रिलीजन. सो वी विल डिस्कस ऑन दैट. सो वी विल डू मंगलाचरण फर्स्ट. तो मैं दोहराऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं अपने आप को म्यूट पे रख के. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. सो वी विल बिगिन अवर टुडे सेशन फ्रॉम श्री नामामृत बाय रीडिंग फ्रॉम श्री नामामृत. हरि नाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद वी विल बिगिन अवर टुडेज टॉपिक. तो मैं शुरू करता हूँ. श्री नामामृत द नेक्टर ऑफ होली नेम. द होली नेम इज मोर इफेक्टिव देन वैदिक रिचुअल्स. द बेस्ट पर्पस ऑफ वैदिक रिचुअल्स वेदांत फिलोसफी एंड वैदिक मिस्टिसिज्म इज सर्व्ड बाय चैंटिंग द होली नेम. लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन. All purposes that are served by the small pond can at once be served by the great reservoirs of water. Similarly, all the purposes of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are to encourage gradual development of self-realization, and the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of Bhagavad Gita, which is 15.15, jo verse aata hai. Ye kehta hai ki the purpose of the studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So, self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with Him. So, dekhiye, so kya bata rahe hain yahan pe ki jo jis prakar se ki ek अगर हम एक 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 कुएं से पानी लेते हैं और उसके बाद अगर हम एक पॉन्ड से पानी लेते हैं, तो अगर हम एक पॉन्ड से भी पानी लेंगे तो वही पर्पस सर्व होगा जो हम एक कुएं से पानी लेते हैं. तो उसी प्रकार से अगर हम ये जान लें कि जो वेदास के जो वेद हैं और जो जो हमारे शास्त्र हैं उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, तो
हमारा जो वेद पढ़ने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। और भगवद गीता बहुत अच्छे से बताती है कि जो वेद हैं उसको पीछे का पर्पस क्या है, कि भगवान कृष्ण को जानना और उसके बाद उनको उनको सरेंडर करना। द पर्पस ऑफ वेदास इज टू नो लॉर्ड द प्राइमेवल कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो जो 15.15 आता है, सर्वस्य चाहम हृदि संविशे विशिष्टो एंड वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, कि ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। भगवान स्वयं बोलते हैं चैप्टर 15 के 15वें श्लोक में दैट ऑफ ऑल द वेदास कि मैं ही हूँ जानने के लिए ये सारे वेदों में। और अगर हम ये जान लें तो वी कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेदास। तो और यही सेल्फ रियलाइजेशन है। सो सेल्फ रियलाइजेशन की आत्म साक्षात का मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड वंस इटर्नल रिलेशनशिप विद हिम। हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ वही कि हम भगवान के अंश हैं और वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ गॉड एंड वी आर सपोज टू सर्व हिम। वी आर इटर्नल सर्वाइटर्स ऑफ गॉड। अगर हम ये जान लें सो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। आगे पढ़ता हूँ मैं। द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग एंटिटीज विद कृष्णा इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द 15th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। देखिए जैसे मैंने आपको बताया the living entities are part and parcels of krishna, therefore revival of krishna consciousness by individual living entity is the highest perfectional stage of vedic knowledge. This is confirmed in shrimad bhagavatam 3.33.7. I will read the translation. Oh my lord, a person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of a chandal dog eater, is situated on the highest platform of centralization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literature many, many times after taking his birth in all the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of the Aryan family. You see, what they are saying? The highest perfectional stage is to Vedic knowledge is to understand that we are part and parcels of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, and to establish back our relationship again with Him. Relationship exists karta tha, but because of our enviousness and our enjoyment mentality, we did not want it to be as a servitor of God, and we wanted to enjoy separate of Krishna. And that is why so we come here in the material world and we forget our identity and we forget our relationship. Ki aap isko kaise se samajh sakte hain ki agar ek beta apne pita ko hi bhool jaye aur uske baad ye relationship bhi bhool jaye ki wo kisi ka beta, wo apne pita ka beta hai, to humne bhi isi prakar se ek relationship jo tha hamara wo hum bhool chuke hain aur uske baad hum yahan pe hain aur हमारे ही अपने डिजायर्स की वजह से। और बट अगर हम ये जान लें कि ये हमारा ये रिलेशनशिप है और इसको अगर हम वापस एस्टेब्लिश कर लें, सो दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड दिस इज द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टेज। सो लेट अस रीड फॉरवर्ड। So one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to the rituals only. And one must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification. तो देखिए इसमें क्या है कि जो वेद हैं वो जो हमारे चार वेद आते हैं वो they are 90% कर्म कांड। तो और उसके बाद 7-9% is ज्ञान कांड and then 1% is bhakti yoga. So the 90% of the all the Vedas, they tell us how to enjoy or how to lead a life like this. If you want this, then you do this. अगर आपको आपको कुछ करना है तो आपको ये करना होगा, आपको घर लेना है तो इसके लिए ये rituals हैं, आपको शादी करनी है तो इसके लिए ये rituals हैं, ये सही तरीका है। बट उनका एक पर्पस है वेदास का, उनके पीछे का एक पर्पस है जो भगवद गीता में बताया गया है कि हम वी अपलिफ्ट अवर सेल्व फ्रॉम दोज रिचुअल्स एंड नॉट बी अटैच टू दोज रिचुअल्स एंड एस्टेब्लिश बैक अवर रिलेशनशिप बैक विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। So,
and go back home, back to Godhead, where we are eternally the servitors of the Supreme Personality of Godhead. So this is the purpose of all the Vedas. And but it is so one must be intelligent enough to understand. So हमको इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, हमको हमारे पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए ये जानने के लिए और इसे समझने के लिए दैट दिस इज द पर्पस. और वो कैसे आएगी? वो आएगी तीन भाग हो सकते हैं जिसके हम इससे ये जान पाए कि हमको इससे कि हमारा जो पर्पस है लाइफ का वो क्या है. वो है गुरु साधु शास्त्र. अगर हम किसी को जो गुरु है, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, अगर हम उनकी शरण में लेते हैं और जो जो बोनाफाइड संप्रदाय है अगर हम उनको उनके शास्त्र को पढ़ते हैं और उसके बाद और जो शास्त्र है उसको पढ़ते हैं, तो अगर हम इसके शेल्टर में रहते हैं सो देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट नॉलेज. और देखिए आगे क्या लिखा है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कॉमन मैन इन दिस एज to follow all the rules and regulations of the Vedic rituals and the injunctions of the Vedantas and the Upanishads. So, because it is not very practical in this age ki hum jo jitne bhi sacrifices jo Ved hain aur jo Upanishad hain unme jo bataye gaye hain hum use kare, to this age is like this Kali Yuga age which has begun like 5000 years ago aur abhi sirf 5000 saal hi hue hain. कुल 432,000 सालों में से. और इसमें इतना हमारे पास ना धन है, ना हमारे पास इतनी प्योरिटी बची है, और ना ही हमारे पास वैसा एनवायरनमेंट है, और ना ही वो ब्राह्मण है जो इस तरह से हम सेक्रीफाइसेस कर सकें या फिर जो भी और भी जो मेंशन है रिचुअल्स वगैरह उन्हें कर सकें. तो देखिए आगे क्या लिखा है. So it requires much time, energy, and knowledge and resources to execute the purpose of the Vedas. This is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of fallen souls. So Lord Chaitanya is Lord Krishna. There is no difference between Lord Krishna and Lord Chaitanya. He is the He is the avatar of Lord Krishna only. And तो देखिए उन्होंने क्या बताया. उन्होंने ये बहुत ही sublime और बहुत ही simple हमको method दिया that you chant this Hare Krishna Mahamantra and simply by chanting this Hare Krishna Mahamantra in this age of Kali we will be delivered. और जो method of realization जो पिछले युगों में था सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग और जो डिफरेंट और डिफिकल्ट प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते थे और वही रिजल्ट हमको इस युग में इतने आसान तरीके से मिल सकता है जो कि है भगवान के नाम का जप करना. और सो यही रिकमेंडेड है हमारे शास्त्र में भी और यही हाईएस्ट नॉलेज है. और भगवान श्री लॉर्ड चैतन्य ने भी उन्होंने भी यही बताया है कि हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और खुश रहें. तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे. और जो डिवोटीज नए आए हैं उनको मैं थोड़ा सा दोबारा बताऊंगा. जो ऑलरेडी जिनको प्रोसेस पता है तो वो अपना जप शुरू कर सकते हैं. तो जो नए आए हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको हम इसकी पूरी एक माला हम करेंगे. और एक माला में 108 मनके होते हैं, 108 बीट्स. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. तो ये है माला, ये है बीड्स. अगर आपके पास है तो ठीक है और इस पे आप कर सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ पे भी कर सकते हैं कि अपने अगर आप अपने दाएं हाथ को लेंगे तो उसमें आपके पास चार उंगलियां हैं, उसमें तीन लाइंस बनी हुई हैं तो वो 12 हो जाता है. उसके बाद लेफ्ट हैंड में आपके पास जो पहली तीन उंगलियां हैं उसमें तीन लाइंस हैं तो वो 9 हो जाता है. तो 12 9 108
तो हमको क्या करना है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको एक एक बार अपने राइट हैंड पे 12 बार करना है, और जब ये 12 बार हो जाए तो ये एक बार इसको आगे कर लेना है। तो जब ये 9 हो जाएंगे और 9 × 12 हो जाएंगे तो 108 आपकी एक माला हो जाएगी। और देखो कुछ डिवोटीज का मैसेज भी आया था कि दे नीड जपामाला, तो हमने जपामाला अरेंज, कुछ जपामाला अरेंज हो गई हैं और कुछ मैं ऑलरेडी अरेंज कर रहा हूँ। मेरे को अभी तक 3 डिवोटीज का रिक्वेस्ट आया है और आपको हम जल्दी ही जपामाला कुरियर करवा देंगे। किसी और को भी अगर चाहिए तो आप मुझे अपना नाम और अपना एड्रेस, तो दिस विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम अवर साइड ऑन जन्माष्टमी विच इज कमिंग, तो वी विल बी वेरी मच हैप्पी टू सेंड यू द जपामाला एंड द बीट बैग। जपामाला को हम ये जपा बैग में रखते हैं ताकि साफ सुथरी रहे और हम अच्छे से चैंटिंग कर सकें, और अपना हाथ अंदर डाल के हम इसे चैंटिंग करते हैं। इसका कुछ तो जिसके पास है वो शुरू कर सकते हैं, और मैं दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा। उसको हमको जपा शुरू करने से पहले ये मंत्र करना होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, और ये एक ही बार करना है। उसके बाद 108 बार हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। सो वी विल स्टार्ट। ठीक है, अगर किसी को भी प्रश्न है तो आप मुझे चैट पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट वन राउंड। और मैं अपने आप को अनम्यूट रखूंगा ताकि आप सुन सकें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप सिर्फ हमारे साथ, और हमारे साथ साथ सुन के आप चैंटिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो वी विल डू वन राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर सेशन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
तो अगर किसी की अभी जवाब पेंडिंग है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं या फिर वो चैट पे भी लिख सकते हैं कि पेंडिंग है, तो हम एक दो मिनट वेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। ओके
ठीक है, सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद अवर सेशन. सो आई होप आप सबको अच्छा लगा एक राउंड चैंट करके. तो आप घर पे अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और कंसंट्रेशन के साथ और अच्छे अच्छी हियरिंग के साथ हम इसे बहुत ही अच्छे से इसे कर सकते हैं अपने घर पे, और किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह दोपहर को शाम को. और कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहा के ही करना है या फिर ऐसे करना है. तो सुबह भी हम जिस भी हम में हैं हम फेस वॉश करके और हाथ मुंह धो के फ्रेश होके हम चैंटिंग कर सकते हैं एक राउंड, दो राउंड, चार राउंड. जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, दे डू 16 राउंड्स इन वन डे. दैट इज द स्टैंडर्ड व्हिच वी फॉलो. एंड बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वन और टू राउंड्स अ डे. और आप देखेंगे हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से गिराज प्रभु ने बताया था कि अगर आप इसे अपनाएंगे और एक हफ्ता और एक हफ्ता, दो हफ्ता या फिर एक महीना अगर इसे करेंगे रोज का और विदाउट एनी ब्रेक, और आप खुद ही देखेंगे कि आपको और करने का इसका मन करेगा, और यू विल फाइंड अ चेंज विद इन यू. एंड दिस ये एक्सपीरियंस हम सबके साथ देखते हैं. और क्योंकि हम अपना बता सकता हूँ मैं आपको कि हमारे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, और यही एक्सपीरियंस सबके साथ रहता है दैट वी ऑल स्टार्ट विद वन राउंड एंड टू राउंड एंड वी ग्रेजुअली इंक्रीज एंड बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज. और अगर आप कुछ और देखिए, इसमें इतनी पोटेंसी है हरे कृष्ण महामंत्र में कि हम सेम ही मंत्र को बार बार रिपीट कर रहे हैं और हमको ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम रिपीटेशन कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ आ रहा है. तो अगर हम कुछ और रिपीट करें तो वी विल फील डिस्गस्टेड आफ्टर सम टाइम. जैसे कि अगर आप कोका कोला की बॉटल है, अगर आप उसे उसका अगर हम एक माला करें कोका कोला, तो यू विल फील डिस्गस्टेड आफ्टर सम टाइम. But this Hare Krishna Mahamantra, if you chant one round or two round and sixteen, after some time, jab hum like we follow the standard, we chant 16 rounds, and we feel so everybody like jo devotees hain, they feel very good realizations, aur unko bahut acha lagta hai chanting karke. Aur I hope aapka bhi experience abhi kuch aisa hi raha ho. Aur agar aapko koi question hai, to aap mujhe personal session ke baad chat pe लिख सकते हैं कि अगर आपको कुछ चैंटिंग में परेशानी आ रही है, या फिर मेरे को कुछ डिवोटीज के पर्सनल मैसेजेस पहले भी आए हैं कि तो उनको मैंने कोशिश करी कि हम उनको हेल्प कर सकें. तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं सेशन के बाद और मैं आपसे बात कर सकता हूँ. सो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ विद अवर सेशन टुडे. So the topic of the session is what is religion. So बहुत ही interesting topic है क्योंकि usually हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और ये किसी ना किस तरह से हमारी life से जुड़ा ही हुआ होता है. और क्योंकि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, we are born in India, so we are more connected to it and we are more able to relate to it and it is not a new thing for us. And हमें भी नहीं पता होता कि what is our true religion and what is the meaning of religion actually. तो आज हम इसके बारे में कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी चर्चा करें, और मैं expect करूंगा कि आप भी अपने inputs दें, क्योंकि these sessions, देखिए जो ये sessions हैं, they are not meant for कि initially they are not meant for कि हम आए और कुछ like कुछ सेशन हो जिसमें सिर्फ मैं बोलूं और आप सुने और उसके बाद सब चले जाएं. तो नहीं, ऐसे नहीं है. जो ये सेशन का फॉर्मेट है वो ये है कि हम कुछ पढ़ें और उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसके ऊपर चर्चा हो, और उसके बाद हम आपका भी व्यू पॉइंट जान सकें, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें और ये जान सकें कि आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, ताकि आप भी अपना शेयर कर सकें. तो जब हम ये सेशंस घर पे करते हैं, तब जब हम डिवोटीज को अपने घर इनवाइट करते हैं, तो इसका फॉर्मेट एकदम डिफरेंट होता है. और घर पे बहुत अच्छे से इंटरेक्शन के बाद और बाद में प्रसादम भी होता है. बट क्योंकि अब ये ऑनलाइन है और ये लॉकडाउन चल रहा है, तो जो तो गुड़गांव में है हम उनको भी नहीं मिल सकते. और बट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सब के लिए जो हमारे साथ गुड़गांव में नहीं है, बट हम उनके साथ अब इस जूम के थ्रू और ये ऑनलाइन जो जरिया है इसके थ्रू
ये सेशंस कर पा रहे हैं और इसे इससे आपके साथ जुड़ पा रहे हैं और आपको भी क्योंकि अच्छा लग रहा है इसलिए आप जो हम इतने सारे जो लोग आए हैं जो डिवोटीज आए हैं इसलिए ये पांचवा छठवां सेशन है जो भी हो रहा है तो आप बार बार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा और आपको कुछ इससे फायदा मिल रहा हो और इससे आप वापस कुछ लेके जा रहे हैं जो कि आपके जीवन में कुछ अच्छा करेगा। और तो आई होप कि आपको ये सेशंस ठीक लग रहे हैं, कोई भी फीडबैक हो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये सेशंस बहुत इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं हम, बट क्योंकि ऑनलाइन है तो मैं समझ सकता हूँ कि इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बट स्टिल जो डिवोटीज अपना शेयर कर सकते हैं तो वो चैट पे या फिर आप अनम्यूट करके भी अपने आप को और आप सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। तो यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि सवाल लास्ट में रखें, बट क्योंकि ये जो जरिया है इस तरह से है तो आप कभी भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसे लिख लें और बाद में उसको लें। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन। व्हाट इज रिलीजन? सो आई विल रीड। प्राइमरीली रिलीजन मीन्स टू नो गॉड एंड टू लव हिम, दैट इज रिलीजन। तो देखिए जो पहली लाइन है उसी में ही आपको उत्तर मिल गया कि व्हाट इज रिलीजन एक्चुअली। रिलीजन मीन्स टू नो गॉड एंड टू लव हिम। तो प्रभुपाद यूज्ड टू, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद वो बताते थे कि हमको किसी भी रिलीजन से दिक्कत नहीं है अनटिल अनलेस वो ये बताता हो दैट कि भगवान कौन है और उनको हम एंड हाउ टू लव हिम। If your religion teaches you this, then it is a bona fide religion. We have no problem at all. But because most of the religions or most of the faiths, we would say, they don't teach us like that. They don't even know who is God. So that is where the lack of a religion lies. So let us proceed forward. And nowadays, because of lack of training, nobody knows God. But to speak of loving him, people are satisfied simply going to the places of worship and praying, oh God, give us our daily bread. In Srimad Bhagavatam, this is called cheating religion, because the aim is not to know and love God, but to gain some personal profit. In other words, if I profess to follow some religion, but I do not know who God is or how to love him, then I am practicing a cheating religion. So, देखिए कितने strong words हैं प्रभुपाद के, दैट कि आजकल क्या चल रहा है कि हम क्या करते हैं, वी गो टू चर्च और वी गो टू मंदिर लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर आर डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस एंड व्हाट वी सिंपली डू इज वी सिंपली गो देयर एंड आस्क अबाउट आवरसेल्व्स कि मेरे को ये दे दीजिए, मेरे को ये दे दीजिए, लाइक अ बिजनेस डील कि आप मेरे को ये दे दीजिए तो मैं ये कर दूंगा, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं वापस भी नहीं आऊंगा। सो व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग दैट it is a cheating religion. So such a strong word. But the real meaning of religion is to know God and to know how to love him. And aap aur hum pyar usi se kar sakte hain jisko hum jante ho, jiske sath sambandh ho, jiske sath relationship exist karta hai. Kyunki agar hum bahar jaye kahi market mein aur humko humki kisi se mile aur wo humko janta nahi pehchanta nahi to हमारी तो जान पहचान भी नहीं किसी से, तो हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, प्यार तो दूर की बात है। तो एक संबंध होना बहुत जरूरी है और जो इसीलिए जो भगवद गीता है इट टीचेस अस अबाउट अवर रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज अ भगवद गीता एंड रीडिंग भगवद गीता इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर सेंडिंग लाइक भगवद गीता श्लोकास एवरी डे इन द ग्रुप एंड आई होप कि आप सब लोग उसे पढ़ रहे हैं और अगर आप किसी को सवाल होता है वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो दैट इज वाई रीडिंग भगवद गीता इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो दैट वी एस्टेब्लिश बैक अवर रिलेशनशिप बैक विद गॉड एंड क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा तब तक जो प्यार है जो लव है उसकी तो बात ही नहीं उठती। और so that is why Prabhupada says that because nobody is teaching us, because unko to ye nahi pata ki bhagwan kaun hai, to jo pyar karna wo to dur ki baat hai, that is why they are calling it as cheating religion. So aage badhte hain. Whoever teaches how to know God and how to love him, he is a spiritual master. Or
यहाँ पे प्रभुपाद गुरु के बारे में बता रहे हैं कि एक बोनाफाइड गुरु स्पिरिचुअल मास्टर इज द वन कि वो ये पहले तो ये जानते हैं कि वो भगवान कौन है. पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, और ये भी पता होना चाहिए कि उनको वापस उनसे संबंध कैसे बनाना है और उनके साथ और हाउ टू लव हिम बैक. सो देन ही इज अ रियल स्पिरिचुअल मास्टर. समटाइम्स बोगस मैन मिसलीड पीपल. आई एम गॉड. दे क्लेम एंड पीपल हु डू नॉट नो व्हाट गॉड इज बिलीव देम. तो बिकॉज हमको ये इस चीज का नॉलेज ही नहीं होता कि भगवान कौन है, तो हमको कोई कुछ भी बताए हम उसको मान लेते हैं. बट हमको गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमको अपना बिलीव करना चाहिए. इट शुड नॉट बी ब्लाइंड फेथ. एंड यू मस्ट बी अ सीरियस स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हु गॉड इज एंड हाउ टू लव हिम. Otherwise, you will simply waste your time. We are presenting the science of how one can know Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by practicing the teachings of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. They teach us our only business is to love God. तो देखिए क्या बता रहे हैं. You must be a serious student to understand who God is and how to love Him. So seriousness बहुत जरूरी है ये जानने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए. इफ वी आर सिंसियर एंड इफ वी आर सीरियस सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड और भगवद गीता में भी जो जो वे बताया गया है कि हाउ डू वी इंक्वायर एंड हाउ डू वी प्रोसीड फॉरवर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज चैप्टर 4 में जो श्लोक आता है 34th, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शिना. तो इसमें तीन चीजें हैं, प्रणिपात परिप्रश्न एंड सेवया. तो ये तीन चीजें आती हैं. प्रणिपात है वी हैव टू बी सबमिसिव एंड लाइक इन अ हम्बल मैनर वी हैव टू अप्रोच. एंड परिप्रश्न वी हैव टू इंक्वायर दैट वी मस्ट हैव सम क्वेश्चंस एंड वी आस्क एंड वी मस्ट आस्क अबाउट अवर डाउट्स एंड अवर क्वेश्चंस एंड सेवया एंड वी शुड सर्व. तो अगर ये तीन चीजें अगर हम करते हैं एंड वी विल फाइंड दैट वी विल प्रोग्रेस वेरी नाइसली एंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड एंड विद सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस. और अगर हम ये नहीं करते सो देन व्हाट इज इट सेज, अदरवाइज यू विल सिंपली वेस्ट योर टाइम. वी आर प्रेजेंटिंग द साइंस ऑफ हाउ टू नो कृष्णा हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड हाउ टू लव हिम. So these both the things are given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So we know how to know Krishna via Bhagavad Gita and how to love Him via Srimad Bhagavatam. So Bhagavad Gita establishes the Sambandh Gyan. आगे बढ़ते हैं. Our business is not to ask God for our necessities. God gives necessities to everyone, even to one who has no religion. For example, cats and dogs have no religion, yet Krishna supplies them with the necessities of life. So why should we bother Krishna for our daily bread? He is already supplying. Real religion means to know, to learn how to love Him. So, kitna dekhiye, ye fact hai ek tarah se ki जो ये जो पशु पक्षी होते हैं और जो जानवर होते हैं उनका तो कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये वो आए और कुछ समूह में बैठे और उनको बोलें कि आइए भगवद गीता का सेशन है और आप अटेंड करिए, और ना ही वो इतनी ये और ना ही उनमें कोई इतनी इंटेलिजेंस है और कि वो कि कोई रिलीजन और ना ही उनको कोई रिलीजन है. बट उनको भी जो बेसिक नेसेसिटीज है उनकी वो जो भगवान है उन्होंने उनकी अरेंजमेंट करा हुआ है. कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हार नहीं मिलता हो. तो एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुली एंड अरेंज्ड बाय द विल एंड मर्सी ऑफ कृष्णा बाय द सिस्टम जो उन्होंने बनाया है और ये जो मटेरियल नेचर जो क्रिएट किया है इतना अच्छा सिस्टम है. सब एवरीथिंग इज रनिंग ऑटोमेटिकली एंड बट वी आर आस्किंग द सेम थिंग्स लाइक सेम things from Krishna back. आप
कि मेरे को लाइक गिव मी दिस और गिव मी दैट एंड बट वी डोंट हैव टू आस्क दीस थिंग्स बिकॉज ये तो हमको हम ना मांगे तो भी हमको मिल रहा है बट वट वी हैव टू सी इज वट वी कैन डू टू गिव हिम बैक लाइक हम उनसे तो ले ही रहे हैं इतना कुछ ले रहे हैं इतनी हवा ले रहे हैं इतना ऑक्सीजन ले रहे हैं इतना जो फूड है उनको ऐसे मतलब इतनी आसानी से मिल रहा है और बट हमको ये जानना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं एंड हाउ टू लव हिम बैक हाउ टू एस्टेब्लिश अवर रिलेशनशिप एंड देन हाउ टू लव हिम बैक एंड टू डू समथिंग फॉर हिम सो दैट इज रियल रिलीजन फर्स्ट क्लास रिलीजन teaches one how to love God without any motive. If I serve God for some profit, that is business, not love. Real love of God is ahaituki aprahita. Aprahitahata. It cannot be checked by any material cause. It is unconditional. If one actually wants to love God, there is no impediment. One can love him without whether one is poor or rich, young or old, black or white. देखिए क्या बता रहे हैं दैट द फर्स्ट क्लास रिलीजन इज द वन व्हिच टीचेस अस हाउ टू लव गॉड विदाउट एनी मोटिव सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट वी लव गॉड बट वी मे हैव अवर ओन डिजायर्स दैट ओ वी वांट दिस बैक और एट द बैक ऑफ द माइंड वी मे हैव मल्टीपल डिजायर्स हमारी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं जिसकी पूर्ति के लिए हम प्रे करें या फिर सो But the first class, the topmost is the one which teaches us how to love God without any motive, without any our personal motive. So this is it. There are four, aage padhte hain. There are four classes of men, the karmis, gyanis, the yogis and the bhaktis. And each achieves a different goal. The karmis work for some material profit. For example, in the city, Many people work hard day and night and their purpose is to get some money. A gyani is a person who thinks, why am I working so hard? The birds, bees, elephants and other creatures have no profession, yet they are also eating. So why should I unnecessarily work so hard? Rather, let me try to solve the problems of life, birth, death, old age and disease. And gyanis, they try to become immortal. They think that if they merge into God's existence, they will become immune to birth, death, old age, and disease. So, इसमें Prabhupada gives the example of karmis and gyanis. So, जो karmis हैं, he gave an example of कि this is normal. This is सब हम करते हैं. This is सब करते हैं cities में भी कि They work and the purpose is to get money and to get money for our own sense gratification and for our own benefit. Unko Bhagwan se koi lena dena nahi hai aur agar hai bhi to devi devtaon se and it is purely based on sense gratification that they themselves are in the center and there is no conception of bhakti. And it is a sort of business like. If they are giving and will do puja only if they will give us back. Correct. And gyanis, Prabhupada gives example that ki ठीक है इतना ज्ञान मिल गया कि और कि जो बाकी हैं उनको भी बहुत अच्छे से टेक केयर हो रही है भगवान की और तो मैं भी कुछ क्यों करूं और लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाय बिकमिंग इमॉर्टल एंड गेटिंग मर्ज्ड इनटू गॉड दैट उनकी ये इन कंसेप्शन होती है कि दैट बिकॉज आई एम आल्सो गॉड एंड गॉड इज गॉड एंड सो आई विल मर्ज इनटू इट आफ्टर दिस लाइफ एंड लेट मी ट्राई टू डू दैट सो प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक जीव आत्मा है उसको हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह उसको ले सकते हैं और जो ओशन है उसको हम गॉड की तरह ले सकते हैं भगवान की तरह तो जो ड्रॉप ऑफ वाटर है और जो ओशन है वो उनमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है बट
बट कोई कंपैरिजन भी नहीं है बिकॉज क्योंकि ओशन इज ओशन, इट इज सो ह्यूज एंड सो वास्ट, बट ड्रॉप ऑफ वाटर हैज नो कंपैरिजन विद ओशन, बट दे आर क्वांटिटेटिवली सेम. उनकी उनकी जो नेचर है और जो क्वालिटी है वो एकदम सेम है. और सो प्रभुपाद गिव्स एग्जांपल ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट और द ज्ञानीज की द ड्रॉप ऑफ वाटर they like they want to merge into the ocean back and but they remain at the boundary of the like at the top level of the ocean where there is sun also and because of the evaporation the cycle the, it keeps on happening and they may merge into the ocean but because they are on the very top layer and there is sun and the sunlight heat ki wajah se sunlight ki wajah se the evaporation is there and then the drop again comes out and it again goes to here and there and the cycle keeps on going and uske baad there is no uncertainty what happens. So this is how like the fall down of gyanis also happen and what Prabhupada used to like say for bhaktas, so that will come afterwards jab hum bhakti ke bare mein janenge. And then I will explain कि प्रभुपाद उसमें उसका example कैसे देते हैं, that how do we what is the analogy given. So basically here we can think as a like mother and the child. So जैसे भगवान is the like mother and there are multiple child, but mother से child हो सकते हैं, but child cannot again merge into mother and become a mother again. So this is something ki Krishna se aur Bhagwan se we all are separate, but we are of equal potency, but we are separate, so we cannot merge it back. So this we can take an example like So we are not into equal potency, but we have equal similar nature, but the potency is altogether very different and we are nowhere near to the similar kind of a potency and the quality is same but not the quantity. So this is what the gyanis think, that they will merge into and the problems will be solved. Iska ek aur acha se example Prabhupada gives in his one of his lectures which I was hearing is that ki isko hum aise samajh sakte hain ki maan lijiye ki aap ek shehar mein rehte hain aur aapka ek ghar hai aur wahan pe government hai, municipal corporation bhi hai and एंड दे आर वो बहुत तंग करते हैं आपको. जो गवर्नमेंट है वो टैक्स इतना लेती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आसपास सफाई नहीं रखती और इतना प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे टैक्स आपके ऊपर लगा रखे हैं, हाउस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, और आप हम बहुत तंग आ चुके हैं अपने घर से. तो जो ज्ञानी इसका जो कंसेप्शन है, अगर उसको हम इस तरह से एग्जाम्पल लेके चलें तो उनके हिसाब से वैसे कर देना चाहिए कि हमको घर को आग लगा देनी चाहिए एंड देट विल सॉल्व द प्रॉब्लम. So, but that is not going to solve the problem. So this is one of the example which Prabhupada gives, that this is not going, like getting rid of the body, thinking that that after this the birth, that old age and disease will be solved, and I will merge it back. So it is not a problem. It is not a solution. The solution lies which will lead ahead. तो आगे पढ़ते हैं. योगीज ट्राई टू एक्वायर सम मिस्टिक पावर. तो अभी तक हमने कर्मीज और ज्ञानीज के बारे में पढ़ा, तो अब हम योगीज के बारे में पढ़ेंगे. तो योगीज ट्राई टू एक्वायर सम मिस्टिक पावर टू एग्जिबिट अ वंडरफुल शो. फॉर इंस्टेंस, अ योगी कैन बिकम वेरी स्मॉल इफ यू पुट हिम इन अ लॉक्ड रूम एंड ही कैन कम आउट थ्रू एनी लिटिल स्पेस. बाय शोइंग दिस काइंड ऑफ मैजिक द योगी इज इमीडिएटली एक्सेप्टेड एज अ वंडरफुल मैन. Of course, modern yogis simply show some gymnastics. They have no real power. But a real yogi has some power, which is not spiritual but material. So, here Prabhupada gives the example of yogis, that yogis after some meditation or they attain, unme ko siddhiyan aa jati hain, they attain some siddhis or mystic powers. And it is only for showing. And they don't usually like have... But they only take it for showing it to others, and for showing business. And but अब तो वो भी नहीं होता. हम देखते हैं कि आजकल तो जो योगीज हैं, they can barely reach beyond any gymnastics or these kind of things. But जो real yogis जो होते थे, they used to have these mystic and siddhis, and where
they used to have these powers, and but now the potency is also not there, and also this process is not going to take us anywhere, and those are also material, and it will end at the end of the life. So once there is a new life, and you all starts it from scratch, zero say. Or the same is also for Gyanis, that after the end of the life, you start from scratch, and nothing is carried forward. Jitna bhi humne padha, jo bhi humne seekh liya, everything will be lost at the end of the life. And but same is not true for bhaktis, or for those in devotion who are bhakt. And let's aage badhte hain. But the bhakt or the devotee doesn't want anything for himself. He simply wants to serve God out of love, just as a mother serves her child. There is no question of profit in a mother's service to her child. Out of pure affection and love, she cares for him. When you come to this stage of loving God, that is perfection. Neither the karmi nor the jnani nor the yogi can know God. Only the bhakt can, only the bhakta can know God. As Krishna says in Bhagavad Gita, Bhaktya Mam Abhijananti. So this also, this shloka comes in Bhagavad Gita. Bhaktya Mam Abhijananti. Only through devotion I can be known, and only through the process of bhakti one can understand God. And only through the process of bhakti one can understand God. Krishna never says one can understand him by other processes. No, only through bhakti can one understand Krishna. If you are interested in knowing God and loving him, then you must accept the devotional process. No other process will help you. So this is the conclusion, that the real religion is to know God, and only through devotion. This is Krishna's opinion. This is Krishna's opinion. Bhagwan swayam bata rahe hain Bhagavad Gita mein, ye main to nahi keh raha. And this is Krishna's opinion, that only through bhakti one can know Krishna. And iska ek aur shlok main aapko bataunga, jo what is the opinion of Krishna on yogis. This comes in sixth chapter. This is the last shloka of sixth chapter, in which sixth chapter mein kya hota hai. So Govindev ji explains of all the sara yogic process, explain karte hain. This is how you control the senses, and aap yahan jaiye, is level pe aapka sthan hona chahiye, aur yahan pe aap apni jo breath hai use control kariye, aur uske baad you control the air between your eyes, and then you concentrate, and then there are eight different limbs of ashtang yoga. And and then Arjun says that it is so difficult, the process is so difficult, that it is like control. So the process is, it is for controlling the mind, and Arjun says that mind is so difficult to control that it is easier to control wind than mind. So aur aap ye laga sakte hain ki hawa ko aap mutthi mein nahi kar sakte, hawa ko control karna kitna difficult hai, and more difficult than that is to control the mind. And then at the end Krishna says, of sara kuch batane ke baad, Krishna says, yogi naam api sarvesham mat gater antaratmana shraddhavan bhajate yo mam same yukta tamo mata. I will read the translation, and this is 6.47. I can also, I think, open it. Just a minute. I hope you are able to see. So this is the shlok, Bhagavad Gita, chapter 6, verse 47. Yogi naam api sarvesham mat gater antaratmana shraddhavan bhajate yo mam same yukta tamo mata. And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. So this is what
Lord Krishna says at the end of sixth chapter, and this is his opinion, that of all the yogis, you know, of all the jnanis, this the one who is situated with him at the transcendental loving service is the highest. So I will again share the back. So I think with this we come to the end of our session, and now we will go for the question and answers. And I hope, and I think we are also on the time, and which is already six. So I think maybe a few questions we can take, and few we will take in the next session, so that we close it on time. And so this is the process, and maybe what we can do is, and the questions maybe we can take in next session, or first two questions we will take, and rest of the questions we will take in the next session. And agar kisi aur ka koi sawal hai ya fir agar kuch aap share karna chahte hain, so we would like to hear you, and we would like to, like, aap comment kar sakte hain ya fir aap unmute karke aap bata sakte hain. Agar aapko koi sawal hai ya question, to aapki koi tippni hai to bhi aap bata sakte hain. So anybody? Maybe you all can share what you got from today's session. आप एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं. What you are bringing back home from today's session. क्या आपको क्या अच्छा लगा इस सेशन में? So Rajdeep Prabhu is saying. हाँ, so Rajdeep Prabhu का क्वेश्चन है, who are Mayavadis? So Mayavadis are impersonalists or jnanis. They are one the same. And so Mayavadis are the ones who think that there is no form of the Lord, and we are like, you are God, I am God, I am going to merge, there is, and merge back to God. And so this is what their conception is, and Nirvishesh, and they don't have any conception that there is a person, there is a personal form of God, there is a personal feature, and there is a person who is taking care of all these things. They don't believe in that. So they are the ones who are Mayavadis. So as you proceed, as you move forward in your bhakti, then you will all get to know about more detail about that. So like, what are the theories and everything. Any more questions? अभिजीत प्रभु इज आस्किंग, क्या हम अपने कर्मों के फल को दूसरों को दे सकते हैं? हरे कृष्णा अभिजीत प्रभु ने, नो, ऐसा नहीं होता. वी अवरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ओन कर्मा, एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्मा. वन इज अ कलेक्टिव कर्मा एंड देर इज इंडिविजुअल कर्मा. बट ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्म दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं, और but there are different ways, like there is a yes as well as no, and we are like going to be responsible for our own karmas ultimately, but we can indulge others into that karmic process via the activities that we do. Jaise ki if I am engaged in a business, and I am doing and there is some karmic reactions involved. I am the owner of the business. There is some karmic reaction involved, and something goes wrong. And so everybody who is in contact with me in line to the whole business, who's put organization, everybody will be affected, because I am because they are part of that business, or and they have their own, or they have their own contribution to which. और उनको उसका रिएक्शन मिलेगा. सो वी आर गेटिंग इंडल्ज्ड, बट वी ऑल हैव अवर ओन इंडिविजुअल कर्मास, एंड देयर आर कलेक्टिव कर्मास एज वेल, जैसे मैंने आपको बताया. सो दिस इज लाइक एग्जांपल ऑफ अ कलेक्टिव कर्मा, एंड देयर इज एन एग्जांपल ऑफ लाइक इंडिविजुअल कर्मास एंड कलेक्टिव कर्मास. सो दिस इज हाउ, एंड
Yes, but this is as far as I know, and but I've also heard. Yes, Abhijit Prabhu, बोलिए. एक्चुअली जब जगाई मदाई का जो जगाई मदाई और नित्यानंद प्रभु का जो मैटर आता है जी उस केस में तो फिर हमारे नित्यानंद प्रभु तो अपना जो भी पुण्य होते हैं ना तो उनको दे देते हैं ना जैसे these are the pastimes of Lord and yes जी और एक केस आता है हरे कृष्ण प्रभु जी 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 बोलिए और एक केस मैंने सुना है कि जब शबरी शबरी जब छोटी थी 5 साल की थी जब बच्ची तब उनके जो गुरु थे मतंग महर्षि ओके उन्होंने भी अपनी जितनी सारी तपश्चर्या की थी उनकी सारी जो भी पुण्य उन्होंने कमाए थे उन्होंने अपने शिष्य शबरी को उन्होंने दे दिया था ऐसे मैंने सुना है तो इससे हमें लगा कि कोई अपने पाप मतलब पुण्य अपने जो भी पुण्य है किसी को ट्रांसफर कर सकता है ऐसा लगा पर ये तो मतलब कर्म सिद्धांत को तो वैल्यू नहीं करता ना जैसे वैल्यू नहीं करता हाँ बिल्कुल मेरे को इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको पूछ के जरूर बता सकता हूँ इसके बारे में spiritual master or some guru which are authentic guru those are on higher stage than the normal person so it works different for different level of devotees or a level of person so it's a bit complicated philosophy karma philosophy so like it works so, differently agar aap us angle se pooch rahe hain to main aapko ek example bata sakta hu ki jaise ki dekhiye when initiation happens at the time of diksha so all your जो आपके जो पुराने कर्म होते हैं दे आर टेकन अवे बाय द स्पिरिचुअल मास्टर बट दे आर नॉट एंड आपके जो जितना भी रिएक्शंस होता है दे आर ऑल टेकन अवे बट द स्पिरिचुअल मास्टर डोंट टेक द कर्मा दे ही ट्रांसफर्स इट अगेन टू द डिसिपल सक्सेशन एंड इवेंचुअली इट इज कृष्णा हु लाइक डिलीट्स ऑल योर कर्मास सो एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि ऐसे होता है अगर आप उस तरीके से पूछ रहे थे तो यस And so, but usually, no, when we talk in terms of Karam Kand philosophy or Karam Yoga, Karam, like Karam philosophy, no in that sense, but yes, when you talk of like spiritual activities and at the time of initiation, so yahi hota hai that we transfer our karmas, hai na? So all the karmas are gone, but it is not a natural activity it is a spiritual activity and spiritual master jo adhyatmik guru hote hain to wo lete hain but he becomes a via media between us and krishna and it is krishna who takes us all over karmas and reactions and because krishna says in bhagavad gita that mam ekam sharanam vraja aham tam sarva pape bhyo mokshasyami ma sucha that he takes all the like he will deliver us from all sinful reactions and don't worry so eventually it is krishna who is deleting or taking care of all the karmas and because only he can do that and so I think us angle se aap pooch rahe the so I think I misinterpreted on that part so is it clear more now okay prabhu ji okay hare krishna chanting ऐसे नहीं कि that मैं घर साफ कर रहा हूँ और I am झाड़ू लगा रहा हूँ and I am doing japa so that is not proper of course but we can keep on taking the name that is kirtan but that is not japa so japa we do like with our japa mala बैठ के अच्छे से साफ सुथरा but ऐसा कोई rule and regulation नहीं है कि किस time पे करना चाहिए या फिर किसी जगह पे ऐसे कुछ स्पेसिफिक रूल ऐसा कुछ नहीं है सो जनरली जैसे होता है हम कुछ कीर्तन सुन रहे हैं कोई वीडियो देख रहे हैं उसके साथ हम बाकी काम कर सकते हैं सो वी कैन डू पैरेलल थिंग्स बट फॉर जपा वी शुड ओनली डू जपा एट द टाइम वी आर डूइंग जपा सो आवर फुल कंसंट्रेशन शुड बी इन द जपा ओनली सो दैट इज द ओनली थिंग
इज इट क्लियर माता जी? हरे कृष्णा जी, समझ गई। ओके, हरे कृष्णा। राजीव प्रभु इज Today from this session, okay. I learned that true religion is to do devotional service towards God, and only through bhakti one can reach highest transcendental position. Thank you so much, Rajdeep Prabhu. And that's right. It's the gem of today's session. That true religion is to do devotional service towards God, and only through bhakti one can reach the highest transcendental position. That is the complete and right understanding of. Thank you so much for this very nice point that you have written. Any more points? If anybody has, then they may share. And अगर आपको पिछले सेशन में से भी कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं. और क्योंकि इस सेशन के जो सवाल जो कोर्स में दिए हुए हैं जो सवाल हैं वो हम अगले सेशन में करेंगे. You all can also share how's your japa going on. So, aapka jap kaisa chal raha hai? So, if you would like to share. Okay. So, no other response. So, I wanted to. Okay. Really, Sathya Mataji is saying, really true. Today's session is very good. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. So, I just wanted to make some announcement and regarding the Janamashtami, which is coming in on 12th of August. And so we are going to celebrate Janamashtami together. But there is a lockdown, and still the situation is still normalized. It's not that we can go to the temple and celebrate there and do different kinds of service. But So, उसके चलते हुए हमने सोचा है कि हम जन्माष्टमी है जो वो ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे एंड वी विल डू वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज. सुबह 4 बजे से द सेशन विल स्टार्ट एंड इट विल गो ऑल द वे टू टिल मिडनाइट और नॉन स्टॉप सेशन विल बी देयर एंड मल्टीपल एक्टिविटीज वी विल डू. देयर विल बी लाइक कीर्तन, देयर विल बी जपा, देयर विल बी हियरिंग सेशंस, देयर विल बी लाइक serial watching sessions, there will be kids performances and many other things which we'll be announcing in our group. So, jab ye sab kuch finalize ho jayega, so I will announce that in our group. And I also wanted to ask that if you want to participate in any of these sevas, so you are very much welcome to come forward. And aap humko different तरीकों से मदद कर सकते हैं. We have multiple sevas online ही manage करने के लिए and we will also list down few sevas that we might need help on and so and if anybody of you is interested in any of the sevas and then you may message me either on group or on personal and I think this is what I wanted to share and we have all other groups as well on which we are running and multiple other groups and jaise ki aap mein se kuch log kal bhi aaye the to kal jo session tha that was on Abhicharan serial to unme se agar aap kuch aaye the to aap apna experience share kar sakte hain ki aapko kal kaisa laga aur so usme aur bhi hamare jo groups ke members the wo sab upasthit the aur इसी प्रकार से हम जन्माष्टमी के दिन भी ऐसे ही कलेक्टिव सेशन करेंगे और यही मैं आप सब से निवेदन करना चाहता था कि आप सब भी उस दिन आइएगा और हमारे साथ जुड़िए और जो भी एक्टिविटीज होंगी उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और अगर आप कुछ इंटरेस्टेड हैं कोई सेवा करने में तो आप हमको बता सकते हैं तो वी विल बी वेरी मच हैप्पी. एंड लास्ट आल्सो आई वुड अगेन वांट टू लाइक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप में से कोई जपा माला लेना चाहते हैं और जपा बैग और जपा माला तो आप प्लीज हमको मैसेज कर दीजिए. कुछ डिवोटीज का मैसेज आ गया है तो हम ऑलरेडी जो है जपा माला और जपा बैग उसके अरेंजमेंट कर रहे हैं. कुछ अरेंज हो चुके हैं अभी तक के जो जितने रिक्वेस्ट आई हैं तो अब तक के अरेंज हो चुके हैं. अगर आगे रिक्वेस्ट आती है तो मैं आगे अरेंज करने के लिए
आई विल ट्राई एंड वो हो जाएगा एंड आई विल सेंड इट टू यू वाय कोरियर और पोस्ट एंड वी विल सेंड इट टू यू एंड आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा अपना एड्रेस और अपना नाम एंड आई थिंक विद दिस वी विल क्लोज अवर सेशन एंड अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप मुझे ग्रुप पे या फिर आप मुझे पर्सनली आप मेरे को भेज सकते हैं और हरे कृष्णा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेस नमस्ते सरस्वती देवे गौरवान प्रचारिणे निर्विशेषवादी गुरु श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णवे हरे कृष्ण